नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आप कैसे निकालते हो ट्रिग्नोमेट्री में, यहाँ से मैं आपको बताने वाला हूँ। बहुत ही आसान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको सेकेंडों में जो है इसके आंसर आप बता पाओगे। ओके, तो मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें बताऊंगा, क्योंकि आपको जैसे कि मैं मान लो आपको 3 sin थीटा + 4 cos थीटा, इसकी आपको कहा जाए कि आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है या मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो ऐसे क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। आपको स्क्वायर दे दिया जाता है तो यहाँ से आपको निकालना है, तो कई तरह से 2-3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। इसमें मैं आपको चार ही सभी चीज़ें जो है वो बताऊंगा। ओके, तो चलिए देखिए, हम ये सब चीज़ें तो देखिए, टेबल तो आपको याद रखना ही है, क्योंकि टेबल की ज़रूरत हमेशा ही पड़ती है और आपको याद भी होगी, क्योंकि आप बचपन से ही आप देख रहे हो यहाँ पर ये चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। अब देखिए, यहाँ पर मैं साइन और कॉस इन दोनों की चीज़ों को बताऊंगा। देखिए, साइन की यहाँ पर आप वैल्यू देखोगे, यहाँ पर -1 है, ठीक है, -1 है। यहाँ पर -1 जो है, यहाँ पर ये देखी जाए तो मिनिमम वैल्यू है, क्योंकि 0 और -1 में -1 छोटा होता है 0 इससे बड़ा होता है, ठीक है। वहीं आपको देखा कि इसमें मैक्सिमम वैल्यू अगर देखा जाए तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू जो रहती है 1, 1 से अधिक नहीं रहती। साइन और कॉस की वैल्यू -1 और +1, मिनिमम और मैक्सिमम, ठीक है। तो यही 2 चीज़ें रहती हैं जो आपको अगर डायरेक्ट आपसे पूछ लिया जाए कि साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो आप +1 लगाओगे और मिनिमम वैल्यू क्या लगाओगे, -1 लगाओगे, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर देखिए, ये आपको ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाएं sin θ, sin 2θ, sin 9θ, यानी साइन एन एन थीटा। अब एन की जगह आपको 2 मिल सकता है, 3 मिल सकता है, 4, 5, इस तरीके से कुछ भी मिल सकता है, ठीक है। जैसे कि मैंने माना कि साइन यहाँ पर मान लो 2, ठीक है, और थीटा की वैल्यू मैंने कहा 45 है, ठीक है, 45 रखूंगा यहाँ पर 45, तो साइन 45 दूनी कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। अब 90 sin 90 का मान कितना होता है, +1 होता है कि नहीं होता। तो यहाँ पर आपको इस फॉर्म में कितनी भी बड़ी वैल्यू पूछ ली जाए तो आपको मैक्सिमम और मिनिमम याद रखनी, मिनिमम वैल्यू आपकी हमेशा -1 रहेगी और मैक्सिमम वैल्यू जो रहेगी वो +1 रहेगी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। उसी तरीके से आपको कॉस में भी यही चीज़ें फॉलो करना है, cos θ, cos 4θ, cos 7θ, इस तरीके से cos n θ की दिल्ली हो तब भी आपको यही चीजें याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर sin² θ, cos 4, sin² 4θ या sin² 9θ, इस तरीके से स्क्वायर के फॉर्म में दे दिया जाए तो आपको मिनिमम वैल्यू यहाँ पर 0 हो जाएगी और मैक्सिमम वैल्यू जो रहेगी वो 1 रहेगी। अब यहाँ पर मैं मिनिमम वैल्यू 0 क्यों हो जाएगी कि आप देखिए कि आप मान लो sin θ दिया हुआ है, sin² θ दिया हुआ, -1 है, अगर -1 पे आप स्क्वायर लगाओगे जाहिर सी बात है तो वो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, +1 होगा, तो ये तो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। यानी यहाँ पर हम जो है sin θ का मान अगर 0 रखते हैं तो 0 आएगा, लेकिन अगर आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 270 है, ठीक है, अगर मैं इसमें 270 रखता हूँ, 270 का मान हमें -1 देते हैं, ठीक है, और इस पर स्क्वायर लगा हुआ है तो जाहिर सी बात है ये +1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात समझ में आएगी कि यहाँ पर मिनिमम वैल्यू जो रहेगी 0 और मैक्सिमम वैल्यू जो रहेगी वो हमारी +1 रहेगी। ओके, इसी तरीके से आपको कॉस में रखना है, sin θ, cos θ आपको इस तरीके का मल्टीपल दिया हो तो -1/2 मिनिमम और +1/2 मैक्सिमम। ओके, तो ये, और यहाँ से एक फॉर्म ये आपका मिलता है, एक एक देखिए एक आपको इस टाइप से मिलेंगे, एक पहला टाइप हो गया, दूसरा ये आपका टाइप हो गया, तीसरे टाइप की अगर हम बात करूँ तो आपको ऐसे मिलेंगे। तो ऐसे में आपको देखिए क्या याद रखना है कि जो भी आपको वैल्यू दी हो, जहाँ पर देखिए ए और बी दिया हुआ है, अगर ए बड़ा है बी से तो आपको ए जो वैल्यू रहेगी वो मैक्सिमम हो जाएगी, अगर बी बड़ा है ए से तो आपकी बी जो है वो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। वो इसी तरीके से बी यहाँ पर जो है मिनिमम वैल्यू हो जाएगी और यहाँ पर ए जो है वो मिनिमम वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो याद रखना है, पर ये स्क्वायर में होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आपको याद रखना है +1 लगी हुई, तो उस हिसाब से यहाँ पर आपको प्लस, जाहिर सी बात है ये माइनस की वैल्यू होगी तो ये बड़ी हो जाएगी। ओके, तो ये चीजें आपको याद रखना है, यहाँ पर वही चीजें लिखी है जो मैंने यहाँ पर आपको बताई है, यानी ए बड़ा है बी से तो मैक्सिमम वैल्यू ए होगी और मिनिमम वैल्यू बी होगी।
अगर बी बड़ा है ए से तो मैक्सिमम वैल्यू बी होगी और मिनिमम वैल्यू ए होगी। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में, 2 sin² θ + 3 cos² θ। इसमें आपसे कहा गया है कि लीस्ट, लीस्ट मतलब होता है मिनिमम वैल्यू, ठीक है, मिनिमम वैल्यू। तो लीस्ट वैल्यू हमें यहाँ पर निकालनी है, तो आप देखिए इसमें क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, क्योंकि ये वाली तो बड़ी है। लीस्ट वैल्यू यानी मिनिमम वैल्यू हमारी 2 हो जाएगी, और मैक्सिमम आपसे कहा जाए मैक्सिमम तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर दरअसल हो जाएगा बी ऑप्शन, ये हमारी जो है वो मिनिमम है और ये वाली मैक्सिमम है। ओके, तीसरा टाइप आपको देखने को मिलता है, चौथा टाइप आपको ऐसे देखने को मिलता है, वहां पर हमारा देखिए इसमें हमारा स्क्वायर था, ये इसमें हमारा स्क्वायर नहीं है, ये सीधा सीधा है, ए साइन थीटा प्लस माइनस बी कॉस थीटा, ठीक है। तो प्लस माइनस यहाँ पर कुछ भी लगा होता है, तो हमेशा याद रखना आपकी जो मैक्सिमम वैल्यू जो रहेगी वो रहेगी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, और मिनिमम वैल्यू जो रहेगी वो रहेगी माइनस अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी आपको समझ में आया, सिर्फ आपको ये चीजें तो दोनों में निकालनी है, अगर मिनिमम वैल्यू करना है तो माइनस लगा देना और मैक्सिमम करना है तो माइनस हटा देना, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ जाए इस तरीके से। इसी तरीके से आपको यहाँ पर ये वाली भी आपको यही चीजें फॉलो करना है, कॉस में भी यही चीजें फॉलो करना है, और यहाँ पर आपको मिनिमम वैल्यू कॉस थीटा और साइन थीटा कॉस थीटा की पावर एन है, तो ये 1/2 की पावर एन जो रहेगी वो मिनिमम वैल्यू रहेगी। तो ये भी आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है, मेनली जो पूछते हैं आपको ये वाले वैल्यू पूछते हैं या फिर आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। पर ऐसा नहीं है, आप सभी जो मैंने आपको बताया है वो सभी आपको याद रखना है, कहीं से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और आप देख सकते हो कितना आसान है ये सब चीज़ें। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, इसमें हमें मैक्सिमम और मिनिमम निकालना है। तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं मानूँ कि ए की वैल्यू यहाँ पर 3 है और इसे बी की वैल्यू मैं 4 मान लेता हूँ, तो हमें कहा जाए कि मैक्सिमम वैल्यू निकालने को कहा जाए तो अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो इसमें आप देखोगे ये कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर, यानी आप देखोगे ये कितना हो जाएगा, 9 + 16 यानी वो 25 हो जाएगा, और 25 का जब आप पर गुण लोगे तो ये हो जाएगा हमारा 5। तो मैक्सिमम वैल्यू हमारी 5 आ गई। इसी तरीके से आपसे मिनिमम कहा जाए तो बस इसकी जगह हमें क्या करना है, माइनस लगा देना है यहाँ पर, तो माइनस वैल्यू निकाल, बाकी तो ये सब सेम आ रहा है, तो यहाँ पर माइनस का 5 आ, तो ये हमारी मिनिमम और ये हमारी मैक्सिमम। तो आई होप यस आपको चीजें समझ में आई होंगी, जिस तरीके से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैंने सारे आपको बता दिए हैं। ओके, आप अपनी तैयारी और बेहतर करना चाहते हो, आपको पता है कि किस तरीके से आपकी तैयारी है, तो आप टेस्ट सीरीज खरीद सकते हो ग्रुप सप्रो 4 की। यहाँ पर आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा। आपको परीक्षा डाउनलोड करना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ पर आपको टेस्ट में जाना है, टेस्ट में जाने के बाद आपको यहाँ पर दिसंबर स्पेशल का होगा, ठीक है, इस पर नहीं करना है, ठीक है, ये जो है वो नहीं करना है। इस पर आप नीचे जाओगे तो यहाँ पर आप देखिए दिसंबर स्पेशल 2021 दिया हुआ है, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है, और यहाँ पर आपको 15 टेस्ट मिलेंगे, ठीक है, 15 टेस्ट मिलेंगे, ये आपको फ्री रहेगा टेस्ट, इसे देख सकते हो यहाँ पर आप, देखोगे नहीं, ओके, जो आपका पैटर्न है सभी सब्जेक्ट में यहाँ पर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 299 की टेस्ट सीरीज है, पर आपको 299 पे नहीं करना है, मात्र आपको जो है यहाँ पर 149 पे करना है। कोड आपको यूज करना है GOV50, देखिए ये वाला जो लिखा हुआ है GOV50 कोड, ठीक है, तो इसे आप लगाओगे तो मात्र आपको ₹149 में यह टेस्ट सीरीज प्रोवाइड हो जाएगी, तो आप और अच्छे से प्रिपरेशन कर पाओगे। यहाँ पर आपकी जो सिली मिस्टेक होती है छोटी छोटी, वो आपको टेस्ट देने से ही पता पड़ेंगी, क्योंकि यहाँ पर आप चीज़ें कर लेते हो, आप प्रैक्टिस करते हो तब कर लेते हो, लेकिन आप टेस्ट सीरीज देते जाते हो या फिर आप एग्जाम देने जाते हो तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि कभी कभी आते हुए क्वेश्चन जो है हम छोटी छोटी सी मिस्टेक जो है वो कर जाते हैं। तो ये सब चीज़ें हमें किससे इम्प्रूवमेंट देखने को मिलती हैं, टेस्ट देखने को मिलती हैं, क्योंकि टेस्ट देने से जो है एक अंदर वो होता है ना डर होता है, वो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, वही डर जो है हमारा भगाना है, तो हमें टेस्ट सीरीज देना चाहिए, तो आप खरीद सकते हो। ओके, आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा, जितने भी मैंने यहाँ पर टाइप बताए हुए हैं इनको याद रखना है, यहीं से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जो भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, आपका फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।